हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पंकज, वेलकम टू बीइंग फिशको। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 100 वन लाइनर्स के ऊपर, जो कि आपके जेआरएफ के एग्ज़ाम एज वेल एज़ फिशरीज रिलेटेड जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर पॉइंट वाइज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वर्ड प्लैंकटॉन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डैट मीन्स, सो इट मीन्स वेंडरर्स। सेल वॉल ऑफ डायटम इज मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका। रिप्रोडक्शन इन डायटम इज़ बाय, इट्स बाय बाइनरी फ्यूजन। फ्रेजिलेरिया ओशनिका इज बायो इंडिकेटर ऑफ, सो इट इज़ द बायो इंडिकेटर ऑफ ऑयल सार्डिन। साइंटिफिक नेम सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स। डायटम्स बिलोंग टू द क्लास, इट बिलोंग्स टू क्लास बेसिलेरियोफाइसी। रेड टाइड फेनोमेनन इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड फेनोमेनन इज कॉज्ड बाय डायनोफ्लेजिलेट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू क्लास, सो इट बिलोंग्स टू क्लास साइनोफाइसी। ऑर्गेनिज्म अटैच्ड ओवर सर्फेस ऑफ वेजिटेशन, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, सो दे आर नोन एज पेरीफाइटॉन। प्लैंकटॉन्स इन पॉन्ड वाटर्स, इट्स नोन एज हेलियो प्लैंकटॉन। प्लैंकटॉन्स इन लेक, इट्स लिम्नो प्लैंकटॉन। प्लैंकटॉन ऑफ ब्रैकिश वाटर, इट इज हाइपल माइरो प्लैंकटॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लैंकटॉन ऑफ ब्रैकिश वाटर इज हाइपल माइरो प्लैंकटॉन। टर्म इको सिस्टम वॉज कॉइंड बाय ए जी टांसली। फादर ऑफ मॉडर्न लिम्नोलॉजी इज एफ ए फॉरल। लेक्स परमानेंटली कवर्ड बाय आइस इज, दिस टाइप ऑफ लेक्स इज नोन एज ए मिक्टिक लेक। ऑर्गेनिज्म स्पेंड पार्ट ऑफ लाइफ एज प्लैंकटॉन आर, दीज आर मीरो प्लैंकटॉन। ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन सैंड, दे आर सेमोफिल्स। डैश इज रेफर्ड एज डकवीड, सो इट इज लेमना स्पीशीज। वार्मर अपर लेयर ऑफ लेक इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एपिलिमनियन। डैफनिया इज ऑल्सो नोन एज वाटर फ्ली। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, इट इज़ लेक बैकाल। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स मेलाथॉयन। आफ्टर यूट्रोफिकेशन लेक बिकम्स, सो आफ्टर यूट्रोफिकेशन लेक बिकम डिस्ट्रॉफिक। एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, द लिमिटिंग फैक्टर इन एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। टॉक्सिक टू फिश, इट इज अनआयनाइज्ड अमोनिया। एक्सेस पीट मैटर इज फाउंड इन, सो इट इज़ फाउंड इन बॉग लेक। देन साइज ऑफ मेगा प्लैंकटॉन, इट इज़ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। मैक्रो प्लैंकटॉन 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। मीजो प्लैंकटॉन 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर। माइक्रो प्लैंकटॉन ग्रेटर देन 60 माइक्रॉन। नैनो प्लैंकटॉन ग्रेटर देन 5 माइक्रॉन। एंड अल्ट्रा प्लैंकटॉन लेस देन 5 माइक्रॉन। ओल्डेस्ट लिम्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सची डिस्क, इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड बाय सची। पॉन्ड्स इन विच वाटर इज प्रेजेंट इन स्प्रिंग, दिस टाइप ऑफ पॉन्ड्स आर नोन एज वर्नल पॉन्ड्स। पॉन्ड्स विच इन विच वाटर एग्जिस्ट थ्रू आउट द ईयर बट फ्रीजेज इन विंटर इज एस्टिवल पॉन्ड। ज्वेल ऑफ क्राउन कश्मीर लेक, विच लेक इज नोन एज ज्वेल ऑफ क्राउन कश्मीर, सो इट इज डल लेक। लार्जेस्ट कोस्टल लगून इज चिल्का लेक। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज, इट इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। There will be some correction in this question. Largest artificial lake of India is Upper Lake. Largest freshwater lake of India is Buller Lake. Largest freshwater lake of world is Lake Superior. Largest brackish water lake of India is, it is Chilka Lake. Largest saline water lake of India is, it is Sambhar Lake. Deepest freshwater lake of world is, it is Lake Baikal. Pear shaped lake, Chilka Lake. ग्रास ऑफ एक्वेटिक सिस्टम इज, इट इज फाइटोप्लैंकटॉन। टर्मिनोलॉजी इज ग्रास ऑफ एक्वेटिक सिस्टम यूज फॉर फाइटोप्लैंकटॉन। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ इंडिया इज इंदिरा सागर। फर्स्ट साइंटिफिकली डिजाइन रिजर्वायर इज स्टानली रिजर्वायर, ऑल्सो नोन एज मेट्टूर। एस्चुरी नॉट फाउंड इन इंडिया इज फिजॉर्ड एस्चुरी और एस्चुरी डेट आर फाउंड ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटी। वर्ड प्लैंकटॉन कॉइंड बाय, इट वॉज कॉइंड बाय विक्टर हैंसन। ऑक्सबो लेक्स फॉर्म्ड बाय, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मियांड्रिंग ऑफ रिवर्स। कार्बन 14 टेक्निक इज यूज टू मेजर, इट इज़ यूज टू मेजर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डैश इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉल्यूशन, इट इज़ बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉल्यूशन। मिनामाटा डिजीज इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी पॉइजनिंग। इटाइटाई डिजीज और आउच डिजीज इज रिलेटेड टू कैडमियम पॉइजनिंग। यूफोटिक जोन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूफोटिक जोन इज हाई प्रोडक्टिविटी। एजोला फिक्सेस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ
So azolla fixes nitrogen with the help of anabena. Water bodies having low concentration of nutrient is oligotrophic. Beels are abundantly found in, so they are abundantly found in Assam. Point at which respiration equals photosynthesis is, it is compensation depth. Abundance of fish population is found in which region? So it is upwelling zone. El Nino current occurs off the coast of, so it occurs off the coast of Peru. These are also known as Peruvian current. Then International Year of Ocean is, it is 1998. Acid rain is directly related to NO2 and SO2. Freshwater region is hypotonic, and freshwater fishes which are found in freshwater environment they are hypertonic. Seawater region is hypertonic and the organism found are hypotonic. Animals tolerating narrow salinity is stenohaline. Animals tolerating wide range of salinity is urihaline. Ecological pyramid was first described by Charles Elton. Respiratory route found in mangroves are, they are pneumatophores. Full form of DDT is dichlorodiphenyl trichloroethane. Red mangrove is by Rhizophora, and black mangrove is Avicennia. Tsunami is a form of internal wave. Mud flats and saline swamps in West Bengal, these are known as bheris found in West Bengal. Then Ficilia is also known as Portuguese man of war. Coriolis effect described by G.G.D. Coriolis. Then migration from river to sea is known as catadromous migration. From sea to river, it is anadromous migration. Various steps in food chain is, it is trophic level. Transfer of energy in the trophic level is by energy flow. Biomass of producers are more, so it will lead to the formation of upright pyramid. Biomass of producers are less, it will lead to the formation of inverted pyramid. Then nitrogen, conversion of nitrogen to nitrite and nitrate, it is nitrogen fixation, and conversion of nitrate to ammonia is denitrification. Then definition of estuary is given by Pritchard. Loktak Lake is found in Manipur. Loktak Lake is situated in Manipur. Okay, so that's all for this video. Thanks for watching. Keep sharing. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ.